होने लगेगा। इसका ये नहीं है कि आप 32 बार करोगे तभी आपका वजन कम होगा, आप 28-30 तक भी पहुंचते हो ना तब भी आपका वेट लॉस होता है। ये सीक्रेट ने कोई नहीं आपको अभी तक बताया होगा, ये बात कोई आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया है कि 27-28 बार भी चीव करने से वजन कम होता है। मेरा वजन कम हुआ है, 27-28 भी आप जाते हो ना, 30 तक भी जाते हो तब भी आपका वेट लॉस होता है। जरूरी नहीं है कि 32 बार ही चीव करना है। कोई भी ऐसे आत्मविश्वास जीवन में सफलता पाने की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जिससे मनुष्य बड़े से बड़ा काम कुशलता से पूरा कर सकता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। अपने आत्मविश्वास को जगाएं, उसे पहचानें। आत्मविश्वास एक आशा है, एक बल है और जीने का सच्चा आनंद है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत हो गई है, मॉर्निंग में मैं अपना मेडिसिन लेने के बाद ही मैं जस्ट योगा करना स्टार्ट कर दी हूँ। उसके बाद पानी पी हूँ भर पेट, पूरा बड़ा ग्लास से, जो मैं रोज़ ही पीती हूँ, बासी मुँह पानी पीना चाहिए। एंड उसके बाद नहाना धोना हो गया, घर का काम हो गया, पूजा पाठ यहाँ पे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रही हूँ, और ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज नहीं की थी, बस 10 मिनट के लिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम था। और इंटरमीटिंग फास्टिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा लेट से खाना होता है मेरा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, इसीलिए 10 मिनट बस एक्सरसाइज की हूँ और काउंट करके कर रही थी हर एक्सरसाइज। जैसे जंपिंग जैक है तो उसको 100 टाइम, बट किक और एक ही जगह पे रनिंग करना, तो 100 टाइम करके मैं पूरी 10 मिनट एक्सरसाइज की हूँ। और आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपको मिलेगा वेट लॉस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अंजलि कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अंजलि लाइफस्टाइल ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, जय माता दी टू ऑल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और 32 बार के साथ अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूं। तो अभी का टाइम 10 बज रहा है और मॉर्निंग से जो भी काम था मेरा कम्प्लीट हो गया है, योगा एक्सरसाइज वगैरह मैं कर ली हूं, और मॉर्निंग का जो फैट कटर ड्रिंक मैं लेती हूं वो ले ली हूं, और घर का जो भी काम है सब फिनिश करने के बाद मैं यहां पे फ्रूट लेके बैठी हूं, पोमोग्रेनेट और स्वीट पोटैटो। किस किस को स्वीट पोटैटो पसंद है मुझे बताना, मुझे बहुत पसंद है स्वीट पोटैटो, तो मैं इसको भी 32 बार च्यू करके खाऊंगी और आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। पता है 32 बार ना बहुत ही आसान तरीका है वेट लॉस करने का, और वजन कम करने के लिए पता है आपको सीक्रेट क्या है, मैं आपको बताती हूँ आज। वजन कम करना है ना तो आपको अपने आप को ना हैप्पी रखना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा अपने आप में। जब आप वर्क करने लगते हो ना, जैसे कि डाइट आप कर रहे हो, मतलब डाइट का मतलब ये कि डाइट क्लीन कर रहे हो, एक्स्ट्रा जंक फूड नहीं खा रहे हो, बाहर का ज़्यादा नहीं खा रहे हो, तो उसको मतलब डाइट कंट्रोल आप बोल सकते हो। डाइट कंट्रोल करने लगते हो, थोड़ा बहुत एक्टिविटी बढ़ाते हो, एक्सरसाइज वगैरह 5-10 मिनट ही करने लगते हो ना, तो अपने आप पे टाइम देने लगते हो। इससे क्या होता है ना, आप खुश रहते हो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, गुड हार्मोन्स जो होता है वो बॉडी से निकलता है और हैप्पी आप रहने लगते हो, और यही सीक्रेट है वेट लॉस करने का। पता है जब आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो ना, तो वेट लॉस जर्नी और इजी हो जाता है। तो इसलिए टेंशन मत लो, आप हमेशा खुश रहने का कोशिश करो ताकि आपका वेट लॉस जर्नी और इजी हो सके। मेरा सीक्रेट तो यही है कि मैं मतलब अपने आप को हैप्पी और अपने आप में बिजी रहती हूँ, अपना वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग का कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मतलब इसी में खुश रहती हूँ। रील्स वगैरह बनाती हूँ अपने आप को खुश करने के लिए, जो भी मतलब कि मनपसंद जो आपका काम है ना वो किया करो ताकि आप हैप्पी रह सको। बाकी जो भी आस पड़ोस का जो टेंशन है ना, बाय बाय टाटा, तभी आप वेट लॉस कर पाओगे। ये सीक्रेट आप हमेशा याद रखिएगा, वजन कम करना है तो आपको अपने आप को हैप्पी खुश रखना पड़ेगा। मोटिवेशन तो आपका तभी आएगा ना जब वेट लॉस थोड़ा बहुत होने लगता है ना, तो अपने आप मोटिवेट आप हो जाओगे, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ मतलब कि करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप हैप्पी रहो और 32 बार को अच्छे से इंजॉय करके खाओ। नहीं हो रहा 20 टाइम, 25 टाइम, 27 टाइम, 28 टाइम, इतना ही आप अचीव करो खानों को, तभी आपका वेट लॉस जल्दी होने लगेगा। इसका ये नहीं है कि आप 32 बार करोगे तभी आपका वजन कम होगा, आप 28-30 तक भी पहुंचते हो ना तब भी आपका वेट लॉस होता है। ये सीक्रेट ने कोई नहीं आपको अभी तक बताया होगा, मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल फीलिंग, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये बात कोई आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया है कि 27-28 बार भी च्यू करने से वजन कम होता है। मेरा वजन कम हुआ है, 27-28 भी आप जाते हो ना, 30 तक भी जाते हो तब भी आपका वेट लॉस होता है। ज़रूरी नहीं है कि 32 बार ही च्यू करना है। कोई भी ऐसे फूड होते हैं ना, फ्रूट है या फिर कुछ है, कि वो 32 बार जा ही नहीं पाएगा, तो उसका इसका मतलब ये नहीं 32 बार ही आपको च्यू करना है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ बस आपको खाने को ना, जो भी आप खा रहे हो, मैं अब यहाँ पे स्वीट पोटैटो
ली हूँ शकरकंद, इसको मैं जब पानी बनाना है खाने को 32 बार चीज करने का मतलब मकसद नहीं है, मेन है आपका खाने जो भी खाना खा रहे हो ना उसको पानी बनाइए उसके बाद मुंह के मतलब पेट में लेके जाइए, वो सही तरीका है 32 बार करने का। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ जैसे कटहल की सब्जी मैं खाती हूँ ना वो 32 बार से भी ज़्यादा हो जाता, तो इसका मतलब नहीं है कि 32 बार हुआ उसको पेट में लेके चले गए, नहीं, 32 बार का मेन सीक्रेट यही है ना कि खाना को आपको पानी बना लेना है चबा चबा के, उसके बाद पेट में लेके जाना है तभी आपका वेट लॉस होगा। और ये बातें ना कोई अभी तक आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया है, बहुत सारे वीडियो मैं ब्लॉग देख रही हूँ यूट्यूब पे कि 32 बार से ये हो गया ये हो गया ये हो गया। एक मोहतरमा का तो मैं देखी कि वो जिम करके 32 करके जिम वगैरह करके वेट लॉस की हैं और अब बता रही हैं, वो वीडियो अब डिलीट कर दी हैं जिम वाला और अब बता रही हैं कि उनका व्यू आने लगा तो वो अब 32 बार के पीछे पड़ है कि 32 बार से मैंने 10 केजी वेट लॉस कर लिया। ये सिर्फ 32 बार से आपका वेट लॉस मुश्किल है जब तक आप अपने योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं ऐड करोगे, 32 बार नहीं करोगे, जंक फूड अवॉइड नहीं करोगे तो सिर्फ 32 बार से वेट लॉस नहीं होता है। तो ये सब व्यू के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बनाते हैं वीडियो, पर मैं आपको ऑनेस्टली सच्चाई बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप डाइट क्लीन नहीं करोगे, जंक फूड वगैरह जो है बाहर का वो नहीं खाना बंद करोगे, स्वीट खाना बंद नहीं करोगे, मीठा चीनी जो भी है खाना बंद नहीं करोगे, सिर्फ 32 बार करोगे तो वेट लॉस नहीं होता है, सच्चाई यही है। तो प्लीज़ आप लोग गलत फहमी में मत रहो, कुछ भी खाने का सही तरीका यही है ना कि बस उसको खाना चबाना है, पानी बनाना है, उसके बाद पेट में लेके जाना है। बाकी अगर वेट लॉस करना है तो सबसे पहले तो आपको कैलोरी जो होता है एक्स्ट्रा कैलोरी जो हम लोग खाते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, चीनी वगैरह आप बंद कर दो तो इससे क्या होता है ना कि जल्दी वेट लॉस होता है। और एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देते हो तो जो भी आप खा रहे हो ज्यादा रेस्ट हो रहा है, कैलोरी बर्न हो रहा है तो आपका मोटापा आएगा ही नहीं, जितना आप खा रहे हो उतना बर्न करने दे रहे हो आप, तो वजन कैसे बढ़ेगा? फिर वजन तभी बढ़ेगा ना जैसे कि मैं 100 कैलोरी पूरा दिन भर में मैं खा रही हूँ और 100 कैलोरी मैं बर्न ही कर दे रही हूँ तो फिर मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो इस बात को? उसी तरीके से 2000 कैलोरी पूरा दिन में मैं अगर खाती हूँ तो उसको 2000 कैलोरी अगर बर्न कर दे रही हूँ मैं तो फिर मोटापा आएगा ही नहीं। और एक्स्ट्रा अगर आप बर्न कर दे रहे हो तो वो जो पेट में एक्स्ट्रा पूरा बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात को आपको समझने का ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कुछ मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो अभी मैं इसको खा लेती हूँ, बहुत बातें कर ली मैं आप लोगों से, तो इसको अच्छे से प्रॉपर च्यू करके मैं खाऊंगी, पानी बनाऊंगी खाना को, 32 बार नहीं करना है, पानी बनाना है खाने को, उसके बाद अंदर लेके जाना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। 32 बार खाने से ना खाने का स्वाद बढ़ जाता है, समझ रहे हो आप? तो अभी का टाइम 11:20 हो गया है और मैं बनाई हूँ अपने लिए चीला, इसमें ऑनियन और कैरेट हरी मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा इनू डाली हूँ और देख सकते हो बिल्कुल आमलेट जैसा बिल्कुल फुला फुला चीला बना है। और ये है धनिया और कोकोनट की चटनी, तो इसके साथ मैं इसको अभी खाऊंगी 32 बार के साथ च्यू करके। हे एवरीवन, अभी का टाइम 2 बज गया है और मैं अपने लिए लेके आई हूँ लुकवॉर्म वाटर, पूरा ग्लास भरा हुआ है देख सकते हो, इसको मैं अभी पीऊँगी और लुकवॉर्म पानी मैं पीती हूँ पूरा दिन भर में ताकि वेट लॉस जर्नी अच्छा होता है। मैं पिछले बार भी वेट लॉस जर्नी में लुकवॉर्म पूरा दिन पानी पीती थी और अच्छा खासा वेट लॉस की थी, तो इसीलिए इस बार भी मैं लुकवॉर्म पानी पीती हूँ और पानी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखती हूँ। क्या कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा मोटा भूख लगा हुआ होता है, भूख लगता है ना, तो वो भूख नहीं होता है, वो प्यास होता है। हम लोग पानी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठंडा है प्यास नहीं लगता ये वो, लेकिन पानी बॉडी को पानी का तो ज़रूरत होता ही है ना, तो इसीलिए छोटा मोटा जब भूख लगे ना तो सबसे पहले आप एक ग्लास भरा सा ग्लास पानी पी लीजिए, वो भूख खत्म हो जाएगा। और अपने लिए अभी मैं ग्रीन टी भी बनाई हूँ, अभी ग्रीन टी भी नहीं ली हूँ तो पानी फिनिश करूँगी उसके बाद मैं ग्रीन टी लूँगी, तो इसको मैं सिप सिप करके पी लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही मैं अपना ग्रीन टी ले रही हूँ और इसकी रेसिपी अगर आप लोग कमेंट्स करोगे ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव ग्रीन टी मैं बनाती हूँ और 2-3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाती हूँ, तो वेट लॉस जर्नी काफ़ी अच्छा मतलब इससे होता है। और यहाँ पर मैं फिर इवनिंग वाला फैट कटर ड्रिंक पी रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं ब्लॉग में ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं। हे एवरीवन, देख सकते हो मेरा डिनर आ गया है, मैं उत्पम बनाई हूँ, इडली का बैटर था तो उसमें ऑनियन और कैरेट डाल के और ये है चटनी कोरिएंडर और कोकोनट का, तो ये अभी मैं खाऊंगी 32 बार च्यू करके। वन तो देख सकते हो मेरा डिनर आ गया है, उत्पम बनाई हूँ और ग्रीन चटनी के साथ मैं इसको खाऊंगी 32 बार च्यू करके। तो आज मैं पूरा दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।